वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी अभी वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जुलाई को मैं हाथ सुबह ही से हाल के सफर में था, लेकिन डॉक्टर निगहत नसीम साहिबा की मंशियात के हवाले से फिक्र अमल प्रोग्राम के तहत गुफ्तगु सुनने के लिए मेरी तशनगी बड़ी बेकरार थी, इसलिए रास्ते में बावक्त बकर मकर्रा पर एक मुसाफिर खाने में रुका और उनकी गुफ्तगु अव्वल ता आखिर हर्फ बहर्फ सुनी। मैं अपनी बेइल्मी का भरमला एतराफ़ करूँ कि इनकी चंद बातें ऐसी भी थीं जिन्हें मैं समझ नहीं सका, लेकिन इसके बावजूद जो समझाना चाहती थी उसे बहुत अच्छे ढंग से समझाने में कामयाब रही। मनुष्यात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल इंसानियत के लिए शदीद ख़तरा है। डॉक्टर साहिबा जैसे लोगों की कोशिशें इस सिलसिले में काबिल तहसीन हैं। मुझे अफसोस है कि मैं ना तो उनसे कोई सवाल ही कर सका और ना ही शुक्रिया के दो लफ्ज़ पेश कर सका। सच ये है कि पूछने वाले बहुत ही मुनासिब और बर्जस्ता सवाल पूछ रहे थे। ऐसे में मैं इस खदशे का शिकार था कि मेरा सवाल पूछना सवाल और जवाब के ऐसे कीमती मरहले के लिए कहीं जिया साबित ना हो। मनुष्यात के आदि लोगों के लिए तो ये प्रोग्राम था ही, लेकिन सच कहूँ तो उर्दू के आदि लोगों के लिए भी ये किसी तरह से कम नहीं था। मोहतरम सफदर हमदानी साहब ने प्यारी प्यारी उर्दू में डॉक्टर साहिबा का तारफ करवाया। जिस तरह डॉक्टर साहिबा का तारफ करवाया वो सुनने की चीज़ थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि बावक्त शहर किसी गुलस्तान में शबनम फशानी की रिमझिम हो रही हो। मोहतरम जाफर साहब की गुफ्तगु इस पर सोने पर सुहागा थी। डॉक्टर साहिबा की गुफ्तगु एहसास को जगा गई, सोचने का पैगाम दे गई। शायद वो पैगाम ये हो सकता है कि मनुष्यात के सुदागरों की पुरखतर राहें कैसी रोकी जाए, मनुष्यात की तकसीम में मलबस हाथों को कैसे रोका जाए, इसकी मनसूबा साजी करने वाले जहनों को कैसे टोका जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन मनुष्यात के ख़िलाफ़ लड़ाई डॉक्टरों के क्लिनिक के साथ साथ अंदरूने खाना से लड़े जाना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ये लड़ाई हम तभी लड़ सकते हैं जब हम अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत को अपनी तरजीह बनाएं। जिस दिन हमारे हर गली मोहल्ले में डॉक्टर साहिबा जैसी बहुत सारी बहन बेटियां तालीम के जेवर से आरास्ता होकर अंदरूने खाना के महाज पर डट गईं, तो यकीन जानिए वो मनुष्यात के खात्मे का आखिरी दिन होगा। शुक्रिया।